अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है। वेलकम एक बार फिर एम क्यू कुकिंग में। तो आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त टिप्स, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त डिलीशियस और बहुत इजी सी बन जाती है। तो आप लोगों ने वीडियो फुल वॉच करनी है, और जो लोग मेरी वीडियो में न्यू हैं तो वो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और कर लें बेल आइकन पर क्लिक। तो जी बीफ टिप्स और स्टिक बनाने के लिए हमने यहाँ पे ले लिए हैं बीफ के 4 पीसेस, लॉन्ग साइज में लिए हैं। थोड़ी सी जो है हमने इसको बहुत ज़्यादा हमने इसकी जो है चौड़ाई में नहीं लिए हैं, बिल्कुल थिन साइज में हमने इसको लिए हैं। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं टिप्स जो है इसी तरह से ही रेडी की जाती हैं। तो इसी तरह से आप लोग इसकी कटिंग कीजिएगा, और साथ में जो है मैंने यहाँ पे 4 पीस लिए थे, तो बिल्कुल साफ और क्लियर मैंने यहाँ पर जो है बीफ के पीस लिए थे। बहुत हल्की फुल्की सी जो है इसमें चिकनाई होगी, ज़्यादा नहीं रखेंगे। तो यहाँ जो है हमारे पीसेस रेडी हैं। सबसे पहले जो है हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, हम इसमें ऐड करेंगे अच्छे से, हम 4 पीसेस को लगाएंगे। इसके साथ इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे हल्की फुल्की सी स्पाइसेस। सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर भी हम इसमें लगाएंगे, और अच्छे से ही लगाइएगा इसको भी, ताकि अच्छा सा टेस्ट आए, इन डेवलप हो। और उसके बाद जो है इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट, सॉल्ट अपने अकॉर्डिंग लगाइएगा, जितना आप लोग खाना पसंद करते हैं कम या ज़्यादा। तो यहाँ पर जो है हम मैंने 1/2 टीस्पून के बराबर सॉल्ट ऐड करेगा। साथ में हमें चिली फ्लेक्स ऐड करनी है, ये भी 1/2 टीस्पून के बराबर ही ऐड हुई थी। तो उसके बाद जो हमने बैक साइड भी करना है, तो आप लोग देख लीजिएगा कितना स्पाइस रखना है। तो देन हमने इसमें ऐड करना है सोया सॉस। सोया सॉस जो है इसकी बहुत ज़्यादा इसकी ज़बरदस्त सा फ्लेवर आता है, तो वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और सोया सॉस के साथ जो है हम इसमें ऐड करेंगे ऑस्कर सॉस। ऑस्कर सॉस भी आप लोगों के पास अगर अवेलेबल हो तो आप लोग ऐड कर दें, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। यहाँ जो है अब मैं ऑस्कर सॉस भी ऐड कर दूँगी। अच्छा जी, उसके बाद जो है हमने क्या करना है, टर्न ऑफ कर लेना है, ताकि बाकी के पीछे जो है उस पर भी हम अच्छे से इसको मैरिनेट कर सकें। तो यहाँ जो है मैंने सारे पीसेस टर्न ऑफ कर लिए हैं, और इसी तरह से अब हम 1 बाय 1 करके इस यहाँ पर भी प्रोसेस करेंगे। सबसे पहले हमने लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करना है, देन बाकी स्पाइसेस भी हम इसी तरह से ऐड करते रहेंगे। लास्ट में आप लोग चाहें तो इसमें ओरिगानो भी ऐड कर सकते हैं, ओरिगानो फ्लेक्स। और यहाँ जो है अब इसमें हम ऐड करेंगे बटर। बटर जो है पहले से ऐड करेंगे ताकि अच्छा सा फ्लेवर के अंदर तक जाए, और ये भी जो है इसमें बहुत ज़्यादा उसका इन्हेंस होकर आए फ्लेवर। तो यहाँ जो है हम सारी स्ट्रिप्स कह लें, आप लोग स्ट्रिक कह लें, तो उस पर जो है हम इस पर लगा लेंगे बटर अच्छे से। दोनों साइड पर नहीं लगाएंगे, इसके 1 साइड लगाएंगे और सेकंड साइड पे जो हम लगाएंगे, तो मैं आपको बताती हूँ सेकंड साइड पे कब लगाएंगे, क्योंकि फ़िलहाल जो है इसके 1 साइड पे हम लोग लगाएंगे, और थोड़ी देर के लिए हम स्टे करने के लिए रख देंगे इसको, ताकि अच्छे से जो है हमारी टिप्स जो हैं रेडी हो जाए। अच्छा जी, यहाँ जो है हमारा फ्राई पैन गर्म है, तो उसके बाद जो है हमने इसे 1 बाय 1 करके इसमें ऐड करते रहना है। जिस साइड पर हमने बटर ऐड करा था, स्प्रेड करा था, वही साइड हमने फ्राई पैन पे रखनी है, ताकि अच्छे से जो है इसे फ्राई हो। ये आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ मैंने कोई ऑयल नहीं लगाया था, जस्ट मैंने एडिशन करी है टिप्स की, तो उसके साथ आप लोग देख सकते हैं ये फ्राई होने स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ जो है हम इसको अच्छे से जो है कुक कर लेंगे। जी, उसके बाद जो हम टर्न ऑफ करेंगे, देन अगेन हमने बटर लगाना है, और बटर लगा के जो है टर्न ऑफ करेंगे, ताकि अच्छे से दोनों साइड पर अच्छे से इसका टेस्ट आ सके।
इसको जो है हमने मीडियम टू लो फ्लेम पे बनाना है ताकि सॉफ्ट सी अब हमारी गल भी जाए और उस पर जो है ड्राई भी हो जाए। तो यहाँ जो है हमने दोनों काम करने हैं, तो इसके लिए हमने मीडियम टू लो कर देनी है ताकि अच्छे से जो है कुक हो जाए। ये अच्छा, जिसकी सॉस के लिए हमने क्या करना है कि जो हमारा मसाला बच गया था इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून के बराबर बटर ऐड कराया है और 1 टेबल स्पून के बराबर शहद ऐड करा है। तो इन दोनों चीज़ों को अच्छे से हम इसमें मिक्स कर लेंगे और अच्छा सा हम इसका सॉस बना लेंगे। तो फाइनली हमारी टिप्स बिल्कुल रेडी है, आप लोग देख सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और डिलीशियस इसका टेस्ट आता है और झटपट से बन जाती है। बहुत ही सॉफ्ट, जूसी और यमी सी टिप्स एंड स्टिक हमारी बिल्कुल रेडी है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर उसका लाजमी कीजिएगा और साथ में इंस्टाग्राम फेसबुक भी फॉलो कर लीजिएगा। अब नहीं जाता तो हमें याद रखिएगा अपनी और ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर कीजिएगा, और आपके मोटिवेशन की वजह से ही हम लोग को जो है आगे बढ़ पाते हैं। तो फाइनली अब नहीं जाता, अल्लाह हाफिज़। معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال ولكي لا ننطفئ هلموا كي نحيي فينا الآمال نزرع قيما نمحي جهلا للجنة نسعى برضا ولكي لا ننطفئ هلموا كي نحيي فينا الآمال نزرع قيما للجنة نسعى.